एक बार फिर भारतीय रेल डीरेल हो गई। एक बार फिर लोगों की जान आफत में आ गई। शुक्रवार शाम की ये तस्वीर देखिए, मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस कैसे एक मालगाड़ी से टकराकर बिखर पड़ी। लोग चीख पुकार रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। बता दे कि ये हादसा चेन्नई के पास हुआ, जिसमें 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है और सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन ये ट्रेन हादसा इस साल पहली घटना नहीं है। इस साल 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन हादसे हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सरकार जांच के आदेश तो दे देती है, लेकिन अगले ही महीनों में एक और ट्रेन हादसा हो जाता है। लगातार हो रहे इन ट्रेन हादसों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर ही हमला बोल दिया। राहुल ने हादसे की तस्वीर सोशल साइट एक्स पर शेयर करने के साथ लिखा कि मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह बालासोर दुर्घटना को याद दिलाता है। एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए। केवल राहुल गांधी ने ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी ने इस ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। प्रियंका गांधी ने भी सोशल साइट एक्स पर लिखा कि देश में ट्रेन दुर्घटनाओं को इतना सामान्य बना दिया गया है कि एक के बाद एक हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से ना तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। देश के करोड़ों आम लोग भय और अव्यवस्था के पहियों पर चल रही ट्रेनों में जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर है। महीनों से चल रहा ये सिलसिला कब रुकेगा, कब तय होगी जवाबदेही? गौरतलब है कि एक और जहां इस ट्रेन हादसे को लेकर सियासी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर रेलवे ने इस घटना को साजिश मानते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है और सीआरएस जांच के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि इस साल की पहली छमाही में 7 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 4 पटरी से उतरने की है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें एक कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।